हमारे BTS के गोल्डन मांगने जंगकुक काफ़ी सारी हेडलाइंस में हमेशा रहते ही हैं। कई सारे लोग उनके बारे में बातें करते हैं और जंगकुक कई बार ट्रेंडिंग में भी नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक बार जंगकुक एक बहुत ही बड़े रूमर में फंसने के बाद काफ़ी फेमस हो गए थे, क्योंकि कई सारे आर्मीज को लग रहा था कि जंगकुक झोचे आइसलैंड पे गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जब कुछ लोगों ने वहां पर जंगकुक को एक लड़की के साथ देखा और फिर उनके बीच में थोड़े से ऐसे क्लोज मूवमेंट्स भी आर्मीज ने ऑब्जर्व किए थे, जिसके बाद कई सारे लोगों का कहना था कि ये लड़की जिसका नाम ली मीजो है वो जंगकुक की गर्लफ्रेंड है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये जंगकुक की टैटू आर्टिस्ट भी थी, जिसकी वजह से ये रूमर्स और ज़्यादा फैल गई थी। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ ये था कि अपनी छुट्टियों के टाइम पे ना जंगकुक झोचे आइसलैंड गए थे, जहाँ पर कई सारे आर्मीज ने उनको देखा। लेकिन उसके बाद ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर पता चला कि एक टैटू शॉप में जंगकुक एक लड़की से मिलने गए थे। यही नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने देखा कि जंगकुक ने इस लड़की को हग भी किया था और काफ़ी दूर से दोनों की वीडियोस रिकॉर्ड करी गई थी। लेकिन क्योंकि हाथ पर जंगकुक के आर्मी का टैटू एकदम विजिबल था, इसीलिए कई सारे लोगों को समझ में आ गया कि ये जंगकुक ही हैं। जिसके बाद जब उनकी उस लड़की को हग करते हुए फोटोज और वीडियोस काफ़ी वायरल होने लगी, तो सभी लोग बोलने लगे कि शायद ये जंगकुक की गर्लफ्रेंड है और इनके साथ जंगकुक झोचे आइसलैंड पे टाइम स्पेंड करने गए हैं। हालांकि कुछ ही टाइम बाद पता चला कि ये जंगकुक की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि ये उनकी फ्रेंड है जो कि टैटू आर्टिस्ट है, और जंगकुक ने अपने कुछ टैटूज इन्हीं से सजेस्ट करके बनवाए थे। यही नहीं बल्कि जब रूमर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो फिर बिग हिट को सामने आना पड़ा और उन्होंने ही बताया कि एक्चुअली जंगकुक बस अपनी वेकेशन पर गए थे और उन्हें वहाँ पर कोइंसिडेंटली पता चला कि उनकी दोस्त ली मीजो भी वहीं पर हैं और इसीलिए दोनों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान बना लिया। इसके सिवा ली मीजो ने भी क्लियरली बताया कि एक्चुअली वो जंगकुक के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जंगकुक जो है उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे नॉर्मल हग वगैरह तो कर ही लेते हैं। उनका ये भी कहना था कि लोगों को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म के साथ नहीं चलना चाहिए, नॉर्मल फ्रेंड्स इस तरीके के लोगों को तो हग कर ही लेते हैं, इसमें कहाँ से डेटिंग वाली बात आ गई। बाद में ये भी पता चला था कि ली मीजो एक्चुअली सिंगल भी नहीं है, उनके बॉयफ्रेंड भी हैं, जिसके बाद ये रूमर्स काफ़ी शांत हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर सच में जंगकुक के लिए काफ़ी हेक्टिक रहा होगा, क्योंकि टॉक्सिक फैंस ने इतना ज़्यादा इस रूमर को फैला दिया था कि सभी लोग जंगकुक के पीछे पड़ गए थे। इनफैक्ट ली मीजो को भी काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड फेस करनी पड़ी थी, जिसके बाद ही उन्होंने ये सब चीज़ें रिवील करी और बताया कि उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि जंगकुक के ऐसे फैंस हैं जो कि अपने फ्रेंड से मिलते टाइम भी जंगकुक को डेटिंग रूमर्स में घसीट लाते हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ कि इस डेटिंग स्कैंडल के बारे में आपको पता था या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।